पिछले 12 घंटों में एक एक्टिव पुलिस ऑफिसर से एक फरार खूनी बन चुका था। मुझे बताया गया था कि तुम बिना कोई सवाल बिना कोई शर्त किसी को भी ढूंढ कर देते हो। मैं सिर्फ उन्हें ढूंढता हूँ जिनके लिए मुझे पैसे मिलते हैं। 4 पैग विस्की, 5 लाख का नुकसान, एक बर्बाद जिंदगी, सुपर हीरो बनने की आसान रेसिपी। बॉलीवुड में जब भी एक्शन की बात आएगी तो सबसे पहले नाम लिया जाएगा हमारे अन्ना यानी कि सुनील शेट्टी सर का। जी हाँ दोस्तों, 90s में सुनील शेट्टी सर ने एक्शन फिल्मों की लाइन लगा दी थी, जिसके चलते ही सुनील शेट्टी के एक्शन और उनकी फिल्मों के हमारे हिंदुस्तान में कई दीवाने मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि हमारे अन्ना यानी कि सुनील शेट्टी कई तरह की फिल्में बना रहे हैं, लेकिन उनका जो मेन अवतार है यानी कि एक्शन अवतार, वो कहीं ना कहीं मिसिंग था। और सभी फैंस चाहते थे कि आखिर सुनील शेट्टी वापस कब से हमें एक्शन करते हुए दिखेंगे। तो फाइनली दोस्तों, एक्शन किंग यानी कि हमारे अन्ना इज बैक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सुनील शेट्टी सर की नई दमदार वेब सीरीज रिलीज हुई है, जिस वेब सीरीज में भर भर के एक्शन है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं सुपरस्टार सुनील शेट्टी सर की नई वेब सीरीज हंटर के बारे में, जो कि Amazon Mini TV पर फाइनली रिलीज हो चुकी है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि Amazon Mini TV पर आप हंटर वेब सीरीज को बिल्कुल फ्री देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके मोबाइल में Amazon शॉपिंग ऐप है तो वहां पर Mini TV का लोगो दिखेगा, उस पर क्लिक करिए, वहां जाकर देखिए हंटर वेब सीरीज। तो इस वेब सीरीज की अगर डिटेलिंग के बारे में बात करें कि इस सीरीज में क्या था खास और क्या क्या मुझे पसंद आया, तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें हंटर की कहानी के बारे में, तो यह कहानी है एसीपी विक्रम यानी कि जिस कैरेक्टर को सुनील शेट्टी ने प्ले किया है। इस सीरीज के अंदर सुनील शेट्टी का काम है मिसिंग लोगों को ढूंढना। लेकिन क्या होता है कि जब एक मिसिंग इंसान जिसका कत्ल हो चुका और उसका इल्जाम आ चुका है सुनील शेट्टी पर, तो अब वो किस तरह खुद को बेकसूर साबित करेंगे, उनकी लाइफ में क्या उतार चढ़ाव आएंगे, यही सब कुछ हमें सीरीज में देखने को मिलता है। लेकिन ये किन मानिए कि इस शो के मेकर्स ने इतने ट्विस्ट, इतने थ्रिल और इतने टर्न्स इस सीरीज में डाल रखे हैं कि हर एक एपिसोड में आपको मजा आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें कि इस सीरीज में क्या क्या बढ़िया था, तो सबसे बेहतर चीज तो इसकी जो मुझे लगी वो था एक्शन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हंटर वेब सीरीज में जो एक्शन है वो पूरी तरह से रो और रियल लगता है। मतलब कि इस तरह का एक्शन करते हुए मुझे नहीं याद है कि इससे पहले हमने सुनील शेट्टी सर को कब देखा था। और यहाँ पर हंटर में सुनील शेट्टी सर का जो एक्शन है वो पूरी तरह से लाजवाब है। तो एक्शन तो भरपूर है, इसके अलावा इसके जो डायलॉग्स है, वाओ, मतलब कि इनके डायलॉग्स के ऊपर तो रील्स और मीम्स जितनी बना सकते हो आप बना लेंगे, क्योंकि हर एक डायलॉग इतना केची है कि उस डायलॉग को सुनते वक्त भले ही आप इस सीरीज को मोबाइल या टीवी पर देख रहे हो, फिर भी सीटी और ताली बजाने का मन करेगा। खास करके वो डायलॉग, टूटेगा नहीं तोड़ेगा, मतलब कि क्या फाड़ू डायलॉग लिखे हैं सुनील शेट्टी सर के लिए, और उन्होंने जिस तरह से डायलॉग्स को डिलीवर किया है वो भी कमाल का है। इसके अलावा दोस्तों, हंटर में जो चीज मुझे और सबसे ज्यादा पसंद आई वो था इसका म्यूजिक। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक को डाला गया है, हर एक सीन की वो जान है, भले वो एक्शन सीन हो, इमोशनल सीन हो, कोई सा भी सीन हो, बैकग्राउंड में जो म्यूजिक चलता है ना, वो हर सीन में 4 चांद लगा देता है। तो यहाँ पर दोस्तों, हंटर सीरीज में एक्शन तो भर भर के है, दमदार डायलॉग्स भी और बढ़िया म्यूजिक भी है। मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं कि कंप्लीट वेब शो हमें हंटर के रूप में देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर तारीफ करनी होगी इस सीरीज के डायरेक्टर की, क्योंकि उन्होंने इस सीरीज के 8 पार्ट बनाए, मतलब कि 8 एपिसोड बनाए, और हर एक एपिसोड इतना ज़्यादा इंगेजिंग है कि जब आप पहला एपिसोड देखते हो, दूसरे एपिसोड के लिए जो एक्साइटमेंट है अपने आप बढ़ जाती है, और आप सोचते हो कि यार जब पहला एपिसोड इतना पावरफुल था तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, मतलब कि 8वें एपिसोड तक तो और भी ज़्यादा मजे आएंगे। और यकीन मानिए, पहले एपिसोड से बेहतर दूसरा, दूसरे से बेहतर तीसरा, और इस तरह पूरी सीरीज का हर एक एपिसोड अपने आप में काफ़ी कमाल का है। क्योंकि दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि एक्शन तो है, इसके अलावा ड्रामा और हल्की फुल्की कॉमेडी भी है, जिसकी वजह से आपका फुल ऑन एंटरटेनमेंट होता रहता है। यहाँ पर इसका स्क्रीन प्ले इतना तगड़ा है कि 1 सेकंड के लिए भी आपकी नज़रें इस शो से नहीं हटती। मतलब कि हम देखते ना कोई कोई से शोज जिनमें कहीं कहीं अच्छा लगता है, थोड़ी देर बाद थोड़ा हम बोर होने लगते हैं, लेकिन हंटर एक ऐसी वेब सीरीज है जिसको देखते वक्त आप 1 सेकंड के लिए भी बोरियत फील नहीं करोगे। क्योंकि दोस्तों, इसके
स्टोरी ही यूनिक है, साथ ही साथ जो इसका प्रेजेंटेशन है वो भी काफी कमाल का है। और मेन चीज क्या है कि इसमें जितने भी एक्टर्स है, फिर चाहे वो लीड हीरो सुनील शेट्टी हो या सपोर्टिंग कास्ट हो, सबका काम काफी बढ़िया है। सबसे पहले अगर बात करें सुनील शेट्टी सर की, तो यहाँ पर सुनील शेट्टी सर का जो स्वैग है हंटर में अलग लेवल का है, मतलब कि एकदम बेडस तरीके से है। लेकिन उनके जो इमोशन है वो भी उन्होंने सीरीज में काफी बढ़िया तरीके से प्रेजेंट किए हैं। लेकिन यहाँ पर सुनील शेट्टी के एक्शन और उनकी एक्टिंग के आप फिर से फैन हो जाओगे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर राहुल देव का काम भी बढ़िया था, ईसा देओल का काम भी डिसेंट है, इसके अलावा बरखा बिस्त उनका काम भी बढ़िया लगा मुझे, और करणवीर शर्मा का भी जो काम था उन्होंने काफी अच्छे से निभाया। तो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर अगर देखे जाए तो हंटर के जो 8 एपिसोड है वो आपको फुल ऑन एंटरटेनमेंट का तड़का देने वाले हैं। फिर से रिपीट कर दूं कि इसमें भैया एक्शन है, कॉमेडी है, ड्रामा है, बढ़िया डायलॉग्स है, शानदार बैकग्राउंड म्यूजिक है, और इसका जो क्लाइमेक्स है वो तो पूरी तरह से होश उड़ा देगा। जी हाँ दोस्तों, 8वां पार्ट मतलब कि 8वां जो एपिसोड है ना, वहां पर जो क्लाइमेक्स आता है वो देखने के बाद तो आपका सिर घूम जाएगा और आप बोलोगे भैया आप तो इसका सीजन 2 चाहिए। मतलब कि हंटर का पहला सीजन यानी कि जिसका हम रिव्यू कर रहे हैं वो इतना ताबड़तोड़ है कि आप दूसरे सीजन के लिए खुद बोलोगे कि यार इसके मेकर्स को इसका सेकंड सीजन भी बनाना चाहिए। तो कुल मिलाकर यही कहूंगा कि अगर इस वीकेंड एक अच्छा कंटेंट देखना चाहते हो तो अपने Amazon शॉपिंग ऐप को ओपन कीजिए, वहां पर Amazon मिनी टीवी के लोगो पर क्लिक कीजिए और देख डालिए हंटर वेब सीरीज। क्योंकि दोस्तों ये वेब सीरीज मुझे तो काफी ज्यादा पसंद आई और मैं हंटर वेब शो को आउट ऑफ 5 स्टार दूंगा। अगर आपने भी ये शो देख लिया तो ये शो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।